हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है हाउ आई शेड कमीशन वर्क पार्ट टू। ये सेकंड पार्ट वीडियो है, मैं किस तरीके से कमीशन वर्क को ड्रॉ करती हूँ, शेड करती हूँ उसका। तो अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है वीडियो के, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से मैं शेड करती हूँ कमीशन वर्क्स को। एंड कमीशन वर्क से रिलेटेड मैंने उसमें कुछ टिप्स बताए थे, सो आप जाके उस वीडियो को पहले देख लेना फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक की कंप्लीट किया था ड्राइंग को। एंड इसमें मैं आज क्लॉथ की शेडिंग दिखा रही हूँ आपको। सो ये एक टाइम लैप्स वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मैं क्लॉथ की ड्राइंग कर रही हूँ एंड किस तरीके से शेड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है लाइट बिल्कुल पेंसिल से, HB पेंसिल से। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे शेडिंग शुरू करूँगी। रेफरेंस इमेज में ये जो क्लॉथ थी इसमें काफ़ी सारे प्रिंट्स थे एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग वाली थी, डिटेल्स थे इसमें। सो इस तरीके के क्लॉथ को ड्रॉ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एंड थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। Thank you.
पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेने के बाद अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद जो क्लॉथ का टेक्सचर है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे 10B पेंसिल ले रही हूँ एंड डार्क पेंसिल की हेल्प से डार्क वैल्यूज़ को और अच्छे से ऑप्ट कर लेंगे।